सकते कि अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, आज सितारा बुरूज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं और सितारा की अकम्पलिशमेंट ये है कि 11 साल की उम्र में माशाल्लाह 5 ओ लेवल्स के पेपर्स देके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुकी है। ना सिर्फ ये आइल्स एग्जामिनेशन देके 7 बैंड हासिल करने वाली ये छोटी सी बच्ची ने इतने बड़े बड़े जिसने काम किए, इसलिए हम सब बड़ों ने सोचा कि हम जाके जरा इस छोटी बच्ची को झुक के सलाम करें और इससे सीखें बहुत बड़ी बड़ी बातें। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त, आपकी उनसे मुलाकात कराती हूँ। हमारे पास वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी सैयद इनायत अली शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। और शाह साहब के साथ टीचर्स एसोसिएशन के जई सदर है सफदर सिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सफदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जब खुशी हो तो मीठा ना हो ये कैसे हो सकता है, इसीलिए इस खुशी के मौके में और थोड़े से रंग डालने के लिए हमें ज्वाइन किया है राहत स्वीट्स एंड बेकर्स के मोहम्मद इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सब बच्चे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब जमा हुए हैं, ये सब इकट्ठे हुए हैं सितारा को मुबारकबाद देने। हमने छोटी सी एक तकरीब भी यहाँ पे रखी है जहाँ हम चाहेंगे कि सितारा एक मेरी टीम हंस रही है कि छोटे छोटे बच्चे कह दिए आपने, चले नौजवान बच्चे आए हैं सितारा को विश करने के लिए। और छोटी सी ये तकरीब कि हम सितारा से केक कटवाएं और मीठे की बात कही थी फरहान हमारे कॉलीग हमारे दोस्त सॉरी फराज कहेंगे कॉलीग के कॉलीग नहीं है दोस्त है हमारे, ये थोड़ी सी मिठाई का तोहफा सर आपके लिए, बहुत शुक्रिया। और ये मेरी जान तुम्हारे लिए, इट्स नथिंग फॉर व्हाट यू हैव डन बट येट अगेन अ लिटिल बिट। और यहाँ पे केक है, थोड़ी सी केक कटिंग कर लें जी। चलें जी, ऐसा करते सितारा स्टेप फॉरवर्ड बेटे और माइक प्लीज उठा लेना अपना। और सितारा के वालिद भी अगर हमें ज्वाइन करें क्योंकि असल बहुत सारा क्रेडिट आपको भी जाता है और हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे इस केक की कटिंग को। इसमें नाम सितारा का होना था लेकिन कुछ मसाइल हो गया और सितारा ने चाकू चलाया है। ये नहीं कि मैं छोटा सा काटू, पूरा बड़ा काटो चलो पीस, देखती हूँ मैं पीस कितनी सुगढ़ हो। हाँ वो अम्मा जो कह रही है खाने पकाती है, एक के एक पीस खिलाओ अब्बा को सबसे पहले। माशाल्लाह बाबा के लिए पीस तो देखें जो कटा है माशाल्लाह। अच्छा पीस थोड़ा ही जाएगा, उसका कसूर नहीं, हमने उसको छुरी भी तो माशाल्लाह इतनी सीधी है। चलो ऐसे करो स्पून से खिला दो, थोड़ा सा चखा दो अब्बा, क्रीम खा लेते हैं। हाय शुगर कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी इजाजत दे दो। अच्छा ये लो, वेल डन, थैंक यू। प्लीज बैठिए और हम अभी थोड़ी देर में केक सर्व भी करते हैं। वाह सारे नौजवान लड़कों देखो कमाल, देखो एक लड़की का क्या महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है। पाकिस्तान के लड़के ये बात मान जाएं ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम सब इनके लिए तालियां बजाते हैं कि मान तो रहे हैं कि शर्मिंदगी हो रही है। बट थैंक यू वेरी मच, ये सब बच्चे यहाँ जमा हुए और इसको विश करने के, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर आपने अरेंज कराया, आप लोग अगर जाके हमारा शो वहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सर आपसे थोड़ी सी बात करूंगी सैयद इनायत अली शाह साहब, आपने भी सितारा के बारे में डेफिनेटली आप जानते हैं, इसकी जो ये अकम्पलिशमेंट है जो ये कामयाबी है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं तो बहुत खुश हुआ जब मुझे पता चला, मैं घर गया इनके जी, इसको मिल के आया, इसको शाबाश दे के आया। फिर हाँ। जब आइल्स के लिए इस्लामाबाद गई तो मैंने इसको खाना किया। अच्छा इसको और इसके जो बातें थी वो जरा और मुश्किल थी। मैंने कहा बेटे आप इतनी उम्र में कर गई हो तो इतनी तेजी से क्या करोगे? हाँ। तो इसने जवाब दिया कि मैं छोटी उम्र में पढ़ना चाहती हूँ, बड़ी होकर पाकिस्तान को सर्व करूँगी। मैं सारी उम्र पढ़ना नहीं चाहती, सारी उम्र पढ़ना नहीं चाहती, मैं छोटी उम्र में पढ़ूंगी और बड़ी होकर पाकिस्तान को सर्व करूँगी। अभी मैं भी ये कह रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी पढ़ने का क्या है, तो कहती है मैं पूरा साल लगाऊं एक क्लास में से, अच्छा नहीं है दो दिन में पढ़ लूं बाकी टाइम टीवी देख लूं। ये जब आंसर करती है तो बंदा सोचता है कि ये खुद बोल रही है या इसके अंदर इस कुछ और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। हाँ। ये गॉड गिवन चीजें हैं, इस बच्ची ने बहुत कामयाबी की है और हमारा इलाका तो मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में मशहूर है हो गया है सिर्फ इसकी वजह से। बिल्कुल सही बात है।
सर, गवर्नमेंट ने आपको क्या लगता है कहाँ तक सपोर्ट किया है? सिर्फ मुबारकबाद तक रहे हैं या उसके एक कदम आगे भी गए? अभी सपोर्ट का मेरे ख्याल में ऐसा कोई सिस्टम इसमें नहीं है, इसकी अपनी अचीवमेंट है। हाँ। इसने अपनी अचीवमेंट की है और इसके बाद गवर्नमेंट ने तो कुछ करना है। अभी तो ये तो इसकी अपनी सेल्फ और वालदेन का प्यार है या उसकी सपोर्ट है जो ये कर रही है। और इसका एक बड़ा एजाज ये है कि माँ की क्लास फेलो भी है। ये अम्मा की क्लास में है? अपनी अम्मा की लैंग्वेज क्लास में ये इकट्ठी। अच्छा, वो जान बता। हाँ, ये हमें भी पता चला और ये भी पता चला कि अम्मा पीछे रह गई और बेटी आगे निकल गई। ये भी आजाद है कि वालदा की क्लास फेलो, वालदा की क्लास फेलो रही है। बिल्कुल सही। और सबसे मजे की बात है कि जिस क्लास में पढ़ती है जी सर, छठी में, उसको पढ़ाती है। और ये खुद हैरान है कि उन्होंने मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट कर लिया है मेरी दोस्तों ने। ये क्या स्टोरी है, ये मुझे भी बताई गई है। मैंने कहा कि उसको किसी टीचर को भी हमें दावत देनी चाहिए। मैं अपनी टीम से बात कही थी तो उनका टीचर को कैसे बुलाएं, वो तो खुद टीचर है। तो ये क्या बात है, कहाँ पे पढ़ाती हो? लाइक अपने एकेडमी में जो मेरी क्लास फेलोज रही हैं, क्लास मतलब 2-3 से आगे आ रही हैं, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। और मैं टीचर के तौर पर नहीं, मैं उनकी फ्रेंड के तौर पर उनको टीच करती हूँ, ताकि वो जो हैं इसके बजाय कि मुझसे डरे, मेरी फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स की भी इतनी ज़रूरत है। और दूसरी बात ये क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं नॉलेज स्प्रेड करूँ। डॉक्टर अब्दुल सलाम इज़ माई रोल मॉडल एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो ही ऑल्सो रैन एन इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग एन इंशाल्लाह आई विल गो ऑन। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेती है, उसमें वो बीएससी बच्चियाँ थी जो रिसेंटली इसने क्लास छोड़ी है। स्कूल में इसने शुरू किया? हाँ, वो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में बीएससी भी थी और बीए भी थी, जो इससे इंग्लिश का स्टूडेंट्स। अच्छा, बताओ ना जरा ये इतनी राज की बात कैसे होती है भाई, अंग्रेजी बेहतर? आई डोंट नो, लाइक इट्स लाइफ इज आल्सो इट यू नो, a mind is like a notebook, so once you have written everything in it, it's quite hard to rub it out and then write it again. But when it's totally empty, when the child is young, you can teach him anything. लेकिन जो लोग आते हैं क्लासेस लेने के लिए वो कहते हैं कि सितारा हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करो, तो क्या टिप देती हो उन्हें? First of all, your accent should be fine. तो ये जो खुद ब्रिटिश सा एक्सेंट है कुछ, ये कहाँ से लिया है? I used to watch TV like English. I used to hear the foreigners speaking. अच्छा। So I picked it up from there. And since I already told you, my nana was English was quite well. So he kept polishing it quite fine. मैं पूछ रही हूँ कि जो अंग्रेजी में ना बीच-बीच में थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट आता है, तो मैं पूछ रही हूँ ये कहाँ से सीखा? तो कह रही मैं टीवी देखती थी, मैं टीवी पे जो फॉरेनर्स बोल रहे होते थे उनका एक्सेंट कॉपी करती थी और उस तरह से बेहतर किया मैंने अपना एक्सेंट। बहुत मजे की बातें और भी होंगी सितारा से। हमारे साथ सफदर साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सफदर साहब, आप टीचर्स एसोसिएशन को एक तरह से हेड करते हैं, कैसा लगा सितारा अच्छा, के बारे में जान के? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं सर, ये हमारे लिए एहसास की बात। आप लोगों ने प्रमोट किया इस चीज को, आगे लेके आए हैं जी, और ये हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है कि पूरी दुनिया में डिस्ट्रिक्ट जोर जो है वो पहले नंबर पे हो गया है सितारा की वजह से। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, आए बड़ा, और ये जो बड़ा सा केक है जो आपको पैक हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये इकबाल साहब की तरफ से सितारा के लिए है। हम खोलने लगे ना, कहा नहीं 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 नहीं, ये घर जाएगा सितारा के। और मैं अपनी टीम पे जरा सी वो हो रही थी कि यार ये इसमें सितारा का नाम लिखवाना था, तो बहुत फखर से इकबाल साहब ने मुझे कहा मेरे केक पे सितारा का नाम लिखा। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब तशरीफ लाने के लिए। और क्या कहेंगे इस छोटी सी अपनी बेटी को? मैं तो बेटी सर माइक ऊपर कर लीजिएगा प्लीज। के इतनी बड़ी खुशी की बात है के बल्कि हमारा फख्र से सिर ऊंचा है कि हमारा पाकिस्तान में ऐसे बच्चे, हम खास करके यार भाई और लोग जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम किया जी। तो परेशानी की खबरें सुन सुन के दम थक चुके हैं, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया और ऐसा होना चाहिए। बल्कि इस बच्ची से हमारा फख्र से सिर बुलंद है कि हमारे बच्चे इतनी माशाल्लाह और इतनी तालीम है, तो बहुत बड़ी एजाज की बात है। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है। और आप लोग हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए।
कि आपने हमें खुले बाजुओं से हमें वेलकम किया अपनी इस डिस्ट्रिक्ट में। और मेरी और मेरी टीम की हमेशा यही कोशिश रही है कि जहाँ पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफियाँ आपके सामने आए, वहाँ ये रोल मॉडल्स आपके सामने आते रहे। तो कोशिश, दुआ करें कि हम लोग आगे भी इसमें कामयाब हों। ये एजाज तो है कि फ्यूचर रिसर्चर का पहला इंटरव्यू BKS ने किया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे एक बार फिर बाखबर सवेरा के इस बहुत ही खूबसूरत सवेरे में। और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारी आज की जो स्टार है सितारा बरूज हमारे साथ मौजूद है और अकम्पलिशमेंट्स बहुत ज्यादा है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर गई हैं। हाँ, मुझे पता चला कि ARY की टीम जो है वो सितारा रूज को शाबाश देने और उसको इनकरेज करने के लिए आई हुई है, जो कि हमारे जिला सीनियर के लिए एक एजाज है। ये बच्ची पिछले दिनों अपने वालिद के साथ मेरे दफ्तर आई थी, तो इसके वालिद ने बताया कि ये BA लेवल तक जो है ना इंग्लिश बोल सकती है, डिक्टेशन ले सकती है, कर सकती है, पढ़ सकती है। तो मुझे यकीन करें कि मैं श्योर ना हुआ कि इस तरह इतनी कम उम्र में भी है या नहीं मुमकिन। हाँ, मुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो मैंने फिर ना इंग्लिश का अखबार मंगवाया। अच्छा, इंग्लिश का अखबार मंगवाया डान का। तो वो बच्ची को कहा कि ये जरा पढ़े, मुझे सुनाए क्या लिखा है इसमें। हाँ। तो यकीन करें कि बच्ची ने फर फर जब इंग्लिश बोली। हाँ। तो मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया और मैंने इसके वालिद को शाबाश दी। वालिद साहब इनके मौजूद हैं, तो मैंने बड़ा इनकरेज किया। मैंने कहा कि इस तरह बच्चों को जो है ना आगे आना चाहिए। और एक और टीम के ऐसे फर्द जिन्होंने ये न्यूज ब्रेक की हमारे चैनल पे, वो अगर नहीं होते तो शायद हमें इसके बारे में पता नहीं चलता। और आज जिस कदर उन्होंने साथ दिया, उनके साथ के बगैर ये सब कुछ नामुमकिन था। आपकी मैं मुलाकात कराना चाहूंगी अमीर उमर साहब से, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है ARY न्यूज के। अस्सलाम वालेकुम उमर। बहुत मुबारक हो। एक कुछ खबरें आई थिंक जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनको ब्रेक करने का जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। बिल्कुल यही बात है, जिस तरह इसी सितारा बरूज अकबर की बात है कि जिसे जैसे मुझे इसके बारे में पता चला। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले जब इसने केमिस्ट्री में ओ लेवल कम्प्लीट किया था उस वक्त भी सबसे पहले ये खबर जो थी वो ARY ने ब्रेक की थी।